20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह से ही 89 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 19 जिलों में पड़ने वाली 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों के किस्मत दांव पर है। तो वहीं एक बार फिर गुजरात में 2002 के गोधरा कांड की चर्चा शुरू हो गई है। गोधरा की उन्हीं गलियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला है। 2002 में जो गलियां गर्दिश में थी, ये वही गोधरा की जमीन है जिसने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया था। उन्हीं गलियारों में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। 20 साल पहले इसी गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी और फिर उसी आग में पूरा गुजरात झुलस उठा था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जाँच के आदेश दिए थे। गोधरा की इन गलियों में जब योगी रोड शो कर रहे थे, उस वक्त जनता का भारी हुजूम उमड़ा था। योगी की एक झलक पाने के लिए जनता बेताब थी और जय श्री राम के नारे लगा रही थी। जय श्री राम की गूंजती आवाज के बीच सीएम योगी ने गोधरा कांड की याद दिलाते हुए उन कार सेवकों को याद किया जिनका सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करना। और गोधरा ने जब एक बार संकल्प ले लिया तो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो गया। अगले वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इतना भव्य मंदिर का निर्माण भाइयों बहनों, वह भारत का राष्ट्र गौरव का प्रतीक बनेगा। और इसलिए आज मैं आप सबके पास इसी विश्वास के साथ आया हूं। हर बीमारी हर मर्च का उपचार हम लोगों के पास है। भावनाओं का उबाल चरम पर था। सीएम की झलक पाने को लोग छतों और रोड पर नजर आ रहे थे। पूरा गोधरा योगी योगी से गूंज रहा था। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही थी। लोग योगी आदित्यनाथ की झलक अपने मोबाइल में कैद करते दिखे, तो वहीं योगी ने भी उन्हें निराश नहीं किया बल्कि मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया। जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ के बीच योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भारत की आस्था का सम्मान है। भाइयों बहनों, नए भारत का शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज उसी का परिणाम है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। गोधरा में रोड शो करने पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। सीएम योगी ने आमजन से पूछा कि जब कांग्रेस हर मुद्दे पर नाकाम है तो क्या आप उनके हाथ का साथ चाहेंगे। इस पर जनसभाओं में एक ही आवाज आई, नहीं। जब कांग्रेस की भ्रष्ट विश्वासघाती राजनीति ने देश की जनता के सामने अव्यवस्था और अविश्वास का माहौल पैदा किया, तब गुजरात ने ही आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान सौंपने की व्यवस्था दी थी। और भाइयों बहनों, बात गुजरात की हो रही है तो भला गोधरा कांड की चर्चा न हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। भरूच की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात दंगों को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल में अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते थे। कांग्रेस विभिन्न समुदायों और जातियों के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाती थी। 2002 के बाद से गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ है। गुजरात ने बार जता रहा, भारतीय जनता पार्टी है गुजरात में शांति स्थापी,
कर्फ्यू वगरनो प्रदेश बनावानुं काम आ भारतीय जनता पार्टी ए कर्युं छे। चुनाव के केंद्र में चर्चा का कारण बनी गोधरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक सी के राहुल को पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से रश्मिता बेन चौहान को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी ने राजेश भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। गोधरा सीट को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। साल 2021 में हुए निकाय चुनाव में इस पार्टी को काफी बढ़त मिली थी। फिलहाल ये तो आने वाली 8 दिसंबर को पता चलेगा कि गोधरा विधानसभा पर किसका परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।